नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे और आज हम चर्चा करेंगे इटरेशंस के बारे में। अब तक की चर्चा में हमने एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन की थी, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में एक ही वेरिएबल को एक से अधिक वैल्यू भी असाइन की जा सकती है। ऐसी दशा में वेरिएबल को असाइन की गई दूसरी वैल्यू पहले वैल्यू को रिप्लेस कर देती है। इस एग्जाम्पल में आप ये देखें, इस प्रोग्राम का आउटपुट 57 है, क्योंकि पहली बार जब हमने प्रिंट किया तो फ्रेड वेरिएबल की वैल्यू 5 थी और दूसरी बार उसकी वैल्यू 7 है। पिछले लेक्चर्स में हमने वेरिएबल को कंटेनर की तरह दर्शाया था, जो कि वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करते हैं। जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो आप कंटेनर के कंटेंट्स को चेंज करते हैं, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। जब एक वेरिएबल में मल्टीपल असाइनमेंट्स होते हैं तो असाइनमेंट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी के बीच अंतर करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट के लिए इक्वल टू सिंबल का प्रयोग किया जाता है। कई बार हमारे द्वारा ए इक्वल टू बी को स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी समझा जा सकता है, जो कि सही नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इक्वलिटी रिलेशन क्यूमुलेटिव है, लेकिन असाइनमेंट क्यूमुलेटिव नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर मैथमेटिक्स में a इक्वल टू 7 है तो 7 इज इक्वल टू a भी ट्रू है, लेकिन c में अगर आप a इक्वल टू 7 स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं तो a इक्वल टू 7 ट्रू होगा, लेकिन 7 इज इक्वल टू a ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हमेशा के लिए ट्रू होता है। अभी तक यदि a इक्वल टू b है तो a और b हमेशा बराबर होंगे। c प्रोग्रामिंग में आप असाइनमेंट स्टेटमेंट के द्वारा दो वेरिएबल को इक्वल बना सकते हो, लेकिन वे हमेशा इक्वल रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस कोड को देखें, इस कोड की तीसरी लाइन में a की वैल्यू को बदल दिया गया है, किंतु b की वैल्यू वही रहती है जो पुरानी है, इसलिए अब a और b इक्वल नहीं है। यद्यपि मल्टीपल असाइनमेंट अक्सर उपयोगी होते हैं, फिर भी आपको सावधानी के साथ इसका उपयोग करना चाहिए। यदि प्रोग्राम के विभिन्न हिस्सों में वेरिएबल्स की वैल्यू लगातार बदल रही है तो यह कोड पढ़ने में और डिबग करने में बहुत मुश्किल हो सकता है। आइए बात करते हैं इटरेशन की। जिन कार्यों में कंप्यूटर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है उनमें से एक है दोहराए जाने वाले कार्यों के ऑटोमेशन। एरर्स के बिना आइडेंटिकल और सिमिलर टास्क को दोहराना कुछ ऐसे कार्य हैं कंप्यूटर जिन्हें बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और जिसमें अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ऐसे प्रोग्राम के बारे में चर्चा की जो रिपीटेशन का उपयोग करने के लिए रिकर्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रिंट लाइन फंक्शन और काउंटडाउन फंक्शन। अब हम एक नए प्रकार की रिपीटेशन की टेक्निक को डिस्कस करेंगे, जिसे इटरेशन कहा जाता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं व्हाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट की। व्हाइल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके काउंटडाउन फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। इस कोड का मतलब है कि जब तक n की वैल्यू 0 से अधिक है तब तक n की वैल्यू को प्रदर्शित करना जारी रखें और फिर n की वैल्यू से 1 घटाएं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब आप 0 पर पहुंचे तो शब्द ब्लास्ट ऑफ आउटपुट हो। औपचारिक रूप से अगर बात करते हैं तो व्हाइल स्टेटमेंट का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर दी गई कंडीशंस को इवेल्युएट करें और देखें कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट के बाहर निकलें और अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, और यदि कंडीशन ट्रू है तो कर्ली ब्रैकेट के बीच प्रत्येक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें और फिर स्टेप नंबर 1 पर वापस जाएं। इस प्रकार प्रोग्राम के प्रवाह को लूप कहा जाता है, क्योंकि तीसरा स्टेप पहले स्टेप में वापस घूमकर लगातार लूप बनाता रहता है। ध्यान दें कि यदि
लूप की कंडीशन प्रथम बार में ही फॉल्स होती है तो लूप के अंदर के स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। लूप के अंदर के स्टेटमेंट को बॉडी ऑफ द लूप भी कहा जाता है। लूप की बॉडी का कोड के कारण एक या एक से अधिक वेरिएबल की वैल्यू को बदलना चाहिए ताकि अंततः टेस्टिंग कंडीशन फॉल्स हो जाए और लूप समाप्त हो जाए, अन्यथा लूप हमेशा के लिए रिपीट होता रहेगा, जिसे इनफाइनाइट लूप भी कहा जाता है। काउंटडाउन फंक्शन के मामले में हम यह साबित कर सकते हैं कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि n की वैल्यू फाइनाइट है और हम देख सकते हैं कि लूप के प्रत्येक इटरेशन में n की वैल्यू हर बार डिक्रीमेंट होती है, इसलिए अंततः यह वैल्यू जीरो हो जाएगी। कुछ मामलों में यह बताना आसान नहीं है, जैसे इस प्रोग्राम को देखें। इस लूप में टेस्ट कंडीशन है n इज नॉट इक्वल टू 1। यदि इसलिए लूप तब तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती और 1 होने पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। प्रत्येक इटरेशन पर प्रोग्राम n की वैल्यू को आउटपुट करता है और फिर चेक करता है कि क्या यह वैल्यू ऑड है कि इवन। यदि यह वैल्यू इवन है तो n की करंट वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है और यदि करंट वैल्यू ऑड है तो करंट वैल्यू को 3n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि स्टार्टिंग वैल्यू 3 है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा, क्योंकि इस कोड में n कभी बढ़ती है और कभी घटती है, इसलिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि n कभी भी n तक पहुंच जाएगा या यह प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। n की कुछ विशेष वैल्यू के लिए हम टर्मिनेशन प्रूव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि स्टार्टिंग वैल्यू पावर ऑफ 2 है तो प्रत्येक इटरेशन में n की वैल्यू तब तक इवन होगी जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। दिलचस्प सवाल यह है कि क्या हम साबित कर सकते हैं कि यह प्रोग्राम n की सभी वैल्यू के लिए टर्मिनेट होगा। अब तक कोई भी इसे प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर पाया। अब हम चर्चा करते हैं टेबल्स की। लूप्स का उपयोग अक्सर टेबुलर डेटा को जनरेट करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के आम जन तक पहुंचने से पहले लोगों को लॉग, साइन, कोसाइन और अन्य कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस की गणना हाथ से करनी पड़ती थी। उसे आसान बनाने के लिए लंबी टेबल्स वाली बुक्स थी जहां आप विभिन्न फंक्शंस की वैल्यू को ढूंढ सकते थे। इन टेबल्स को बनाना स्लो और बोरिंग था और अक्सर रिजल्ट एरर से भरा हुआ होता था। जब कंप्यूटर की पहुंच आम जन तक हुई तो इसके इस्तेमाल के बाद उपयोगकर्ताओं ने पाया कि टेबल्स को जनरेट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कैलकुलेशन में एरर होने के चांस को खत्म किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद कंप्यूटर और कैलकुलेटर इतने व्यापक हो गए कि टेबल अप्रचलित हो गए। यद्यपि अब लॉग टेबल पहले की तरह उतने उपयोगी नहीं है, फिर भी यह इटरेशन का एक अच्छा उदाहरण है। आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं जो अपने लेफ्ट कॉलम में सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को आउटपुट करता है और राइट कॉलम में उनकी लॉग वैल्यूज। इस प्रोग्राम में /t टैब करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और /n न्यू लाइन करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें एस्केप सीक्वेंस भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें नॉन प्रिंटेबल ASCII करेक्टर्स को एनकोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्केप सीक्वेंस को स्ट्रिंग में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टैब करेक्टर कर्सर को दाईं ओर शिफ्ट करने का कारण बनता है जब तक कि वह एक टैब स्टॉप तक नहीं पहुंचता, जो सामान्यतः 8 करेक्टर का होता है। इसी प्रकार न्यू लाइन करेक्टर के इस्तेमाल से हम कर्सर को न्यू लाइन पर पहुंचा सकते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा। यह सारी लॉग की वैल्यू बेस ई पर कैलकुलेट की गई है। लॉग की बेस 2 की वैल्यूज को निकालने के लिए हमें निम्नलिखित फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोड के आउटपुट स्टेटमेंट में निम्नलिखित परिवर्तन के बाद आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। यदि हम 2 की अन्य पावर्स के लॉग को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें इस प्रोग्राम में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे।
अब लूप के माध्यम से हर बार एक्स में कुछ जोड़ने के बजाय जो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस का आउटपुट करता है, यदि हम एक्स को किसी चीज से गुणा करते हैं तो प्रोग्राम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आउटपुट जनरेट करेगा। इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार होगा। चूंकि हमने कॉलम्स के बीच में टैब करेक्टर का उपयोग किया है, इसलिए दूसरे कॉलम की स्थिति पहले कॉलम में अंकों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। टू डायमेंशनल टेबल एक ऐसी टेबल है जहां आप एक रो और कॉलम चुनते हैं और इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू को रीड करते हैं। मल्टीप्लीकेशन टेबल इसका एक अच्छा उदाहरण है। मान ले आप 1, 2, 6 की वैल्यूज के लिए मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। हम इसकी शुरुआत एक सरल प्रोग्राम से करते हैं जिसमें हम एक लूप की मदद से 2 के मल्टीपल्स को एक लाइन में प्रिंट करते हैं। इस प्रोग्राम की पहली पंक्ति में आई नाम का एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है जो कि एक काउंटर या लूप वेरिएबल के रूप में कार्य करेगा। लूप जब एग्जीक्यूट होता है तो आई की वैल्यू 1 से बढ़कर 6 हो जाती है और फिर जब आई की वैल्यू 7 हो जाती है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। हर बार लूप के माध्यम से हम 2 × i प्रिंट करते हैं जिसके बाद 3 ब्लैंक स्पेस छोड़ी गई है जो कि आउटपुट में एज इट इज प्रिंट हो जाती है। इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। आइए अब हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन और जनरलाइजेशन की। एनकैप्सुलेशन का मतलब आमतौर पर कोड के एक पीस को लेकर इसे एक फंक्शन के अंदर रैप करना है और इस प्रकार हम फंक्शंस की सभी उपयोगी फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रिंट पैरिटी और इस सिंगल डिजिट नाम के दो फंक्शन डिफाइन किए थे जो कि एनकैप्सुलेशन का एक अच्छा उदाहरण है। जनरलाइजेशन का अर्थ है टेकिंग समथिंग स्पेसिफिक, जैसे 2 के मल्टीपल्स को प्रिंट करना, या फिर हम और जनरलाइज करें तो जैसे किसी भी इंटीजर के मल्टीपल को प्रिंट करना। यहां एक फंक्शन दर्शाया गया है जो पिछले सेक्शन में दर्शाए गए लूप को एनकैप्सुलेट करता है और इसे n के मल्टीपल्स को प्रिंट करने के लिए जनरलाइज करता है। एनकैप्सुलेट करने के लिए मुझे बस इतना करना पड़ा कि पहली लाइन को प्रोग्राम में जोड़ दिया जो कि नेम, पैरामीटर और रिटर्न टाइप को डिक्लेयर करना है। जनरलाइज करने के लिए हमें बस इतना करना है कि 2 की वैल्यू को पैरामीटर n के साथ बदल दिया जाए। अगर हम इस फंक्शन में आर्गुमेंट की वैल्यू 2 पास करते हैं तो वो वही आउटपुट देगा जो पहले वाले फंक्शन में आया था। अगर आर्गुमेंट की वैल्यू 3 पास करते हैं तो यह आउटपुट आएगा। इसी प्रकार आर्गुमेंट की वैल्यू 4 पास करेंगे तो यह आउटपुट आएगा। अब तक शायद आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हम अलग अलग आर्गुमेंट्स के साथ बार बार प्रिंट मल्टीपल्स फंक्शन कॉल करेंगे। इसके लिए एक और लूप के माध्यम से रोज को इटरेट करेंगे। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यह लूप वैसा ही है जैसा प्रिंट मल्टीपल फंक्शन में इस्तेमाल हुआ है। यहां पर केवल प्रिंट मल्टीपल फंक्शन के कॉल के साथ प्रिंटएफ फंक्शन की कॉल को बदल दिया गया है। इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस प्रकार दिखेगा। फंक्शंस बहुत से कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे स्टेटमेंट्स के सीक्वेंस को एक नाम देकर आप अपने प्रोग्राम को पढ़ने और डिबग करना आसान बना सकते हैं। एक लंबे प्रोग्राम को फंक्शन में विभाजित करके आप प्रोग्राम को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर सकते थे, इस छोटे हिस्सों को आसानी से डिबग कर सकते थे तथा इसके पश्चात प्रोग्राम को एक हिस्से में जोड़ सकते हैं। फंक्शंस रिकर्शन और इटरेशन दोनों को फैसिलिटेट करते हैं तथा अच्छी तरह से डिजाइन किए गए फंक्शन अक्सर कई प्रोग्राम के लिए उपयोगी होते हैं। एक बार लिखने और डिबग करने के बाद आप इसे पुनः कई प्रोग्राम में उपयोग कर सकते हैं। आइए हम फिर से एनकैप्सुलेशन की चर्चा करते हैं। इसके लिए हम पिछले सेक्शन में इस्तेमाल किए गए कोड को फिर से रैप करके फंक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक कॉमन डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताना चाहूंगा।
आप मेन फंक्शन के भीतर या कहीं और लाइन को ऐड करते हुए कोड को डेवलप करते हैं। जब यह कोड काम करने लगता है तब आप इसे एक्सट्रैक्ट करके एक फंक्शन में रैप कर सकते हैं। यह तरीका इसलिए उपयोगी है क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो कभी कभी आप यह नहीं जानते कि जब आप प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करना कैसे और कहां से शुरू करें। यह अप्रोच से कहीं से भी शुरू कर सकते हुए डिजाइन किया जा सकता है। अब तक हमने जितना डिस्कशन किया उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हम एक ही वेरिएबल i का उपयोग दोनों फंक्शंस प्रिंट मल्टीपल्स और प्रिंट मल्टी टेबल में कैसे कर सकते हैं और क्या यह समस्या पैदा नहीं करता जब एक फंक्शन द्वारा इस वेरिएबल i की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि प्रिंट मल्टीपल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल i और प्रिंट मल्टी टेबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल i सेम नहीं है। दोनों वेरिएबल्स के नाम सेम है किंतु वे दोनों एक ही स्टोर्ड लोकेशन को रिफर नहीं करते और इस प्रकार एक फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल i में किए गए कुछ भी बदलाव का असर दूसरे फंक्शन के वेरिएबल i की वैल्यू में नहीं पड़ता है। याद रखें कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स उस फंक्शन के लिए लोकल होते हैं। आप इस लोकल वेरिएबल को इसके होम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते और आप एक ही नाम के कई वेरिएबल डिफाइन करने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक कि वे एक ही फंक्शन के अंदर नहीं है। इस प्रोग्राम के लिए स्टैक डायग्राम में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि i नाम के दो सेम वेरिएबल सेम स्टोरेज लोकेशन में नहीं है। इस प्रकार उनकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है और एक ही वैल्यू को बदलने से दूसरे की वैल्यू प्रभावित नहीं होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी या भ्रम से बचने के लिए विभिन्न फंक्शंस में अलग अलग नाम के वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना ही उचित रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना उपयोगी भी होता है। जैसे कि लूप वेरिएबल के रूप में i, j और k नामों का उपयोग करना आम है। यदि आप उनका उपयोग करने से केवल इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें आपने किसी और फंक्शन में भी उपयोग किया है तो शायद ये प्रोग्राम को पढ़ने के लिए कठिन बना देंगे आप, क्योंकि हमें लूप वेरिएबल के रूप में i, j और k नामों का ही उपयोग करने की आदत है। तो सिर्फ इसलिए कि हमने i, j और k किसी और फंक्शन में भी यूज किया है, आप किसी और नए फंक्शन में यूज ना करें, तो ऐसा ना करने पर वो फंक्शन पढ़ने के लिए कठिन हो जाएगा। अब हम फिर से जनरलाइजेशन की बात करते हैं। जनरलाइजेशन के एक अन्य उदाहरण के रूप में कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम चाहते थे जो किसी भी आकार की मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करने में सक्षम हो। इसके लिए आप प्रिंट मल्टी टेबल में एक पैरामीटर जोड़ सकते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में 6 की वैल्यू को पैरामीटर हाई से रिप्लेस कर दिया है। अब अगर हम प्रिंट मल्टी टेबल फंक्शन को आर्गुमेंट की वैल्यू 7 के साथ कॉल करेंगे तो आउटपुट कुछ इस प्रकार दिखेगा। लेकिन अगर मैं अब चाहता हूं कि टेबल स्क्वायर हो, यानी इसमें रोस और कॉलम की संख्या सेम हो, तो इसके लिए मुझे प्रिंट मल्टीपल्स फंक्शन में एक और पैरामीटर जोड़ना होगा और इस फंक्शन में यह दर्शाने के लिए कि विभिन्न फंक्शन में एक ही नाम के कई पैरामीटर या लोकल वेरिएबल हो सकते हैं, मैं इस नए पैरामीटर को भी हाई नाम से डिफाइन करूंगा। ध्यान दें कि जब मैंने एक नया मेरा पैरामीटर जोड़ा तो मुझे फंक्शन की पहली लाइन को बदलना पड़ा और मुझे उस जगह को भी बदलना पड़ा जहां फंक्शन को प्रिंट मल्टी टेबल फंक्शन में कॉल किया गया है। जैसा कि अपेक्षित था, यह प्रोग्राम एक 7x7 की स्क्वायर टेबल जनरेट करता है जो इस प्रकार है। जब आप किसी फंक्शन को जनरेट करते हैं तो आप अक्सर पाते हैं कि रिजल्टिंग प्रोग्राम में वे कैपेबिलिटीज भी विकसित हो गई हैं जो आपने सोची भी नहीं थी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल सिमेट्रिक है क्योंकि AB = BA है और इसलिए टेबल की सभी एंट्रीज दो बार दिखाई दे रही हैं। आप केवल आधा टेबल प्रिंट करके अपने प्रिंटर की इंक को बचा सकते हैं।
ऐसा करने के लिए आपको केवल प्रिंट मल्टीपल टेबल की एक लाइन बदलनी होगी। आपको प्रिंट मल्टीपल आई कॉमा हाई को प्रिंट मल्टीपल आई कॉमा आई से बदलना होगा। इस चेंज से आपको ऐसा आउटपुट दिखाई देगा। आज की चर्चा में हमने इटरेशन, एनकैप्सुलेशन और जनरलाइजेशन पर चर्चा की। अगले लेक्चर में हम एरेस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।